तो हाय एंड वेलकम टू दिस एंडर एपिसोड विद मी आर श्योर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट आपको क्या करना चाहिए सी मैट के रिजल्ट के बाद कुछ स्टूडेंट्स के 94 है किसी का 98 है किसी का 85 है किसी का 75 है बहुत अलग अलग परसेंटाइल के स्टूडेंट्स हैं बट प्रोसेस सभी के लिए मोर और लेस सेम है तो क्या आपका प्रोसेस होना चाहिए हाउ यू शुड टेक इट फॉरवर्ड आफ्टर यूर सी मैट रिजल्ट तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना काफी सारी चीज एक्सप्लेन करने वाली हूं एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू यू नो वॉट्स द कंप्लीट वीडियो एंड इट विद योर फ्रेंड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, हम सब बात करने वाले हैं यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स की एक कैटेगरी की स्टूडेंट्स की जिनके 90% परसेंट टाइल से राइट right? कम है ठीक है और एक जिनके 90% परसेंट टाइल से ज्यादा है राइट जिन स्टूडेंट के 90% परसेंट टाइल से ज्यादा हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस देखेंगे वो एन देखेंगे वो जिम्स देखेंगे फॉर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आई देखेंगे तो माया देखेंगे ये वो ये सारे टॉप कॉलेजेस देखेंगे और इनमें से कई अभी इससे जस्ट पहले एक वीडियो बनाया है किन किन कॉलेजेस के एप्लीकेशन ओपन हैं तो जो ओपन है आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपने कोई ना कोई एक बैकअप ऑप्शन जो है वो ले रखा है तो आपको अभी वो बैकअप ऑप्शन से बैकआउट कहीं ना कहीं नहीं करना है उसका रीजन क्या है मैं आपको बहुत यू नो you know, स्पष्ट भाषा में समझाती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेरी मैं देख रही थी 91 या 90 के आसपास परसेंटाइल है आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फिगर्स बट ही मेंशन की उसकी रैंक जो है वो सात हजार के आसपास है राइट आपके परसेंटाइल के नीचे आपको ऑल इंडिया रैंक दी गई है अब अगर मैं ये सारे कॉलेजेस टोटल भी कर लूँ तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास दस कॉलेजेस हैं राइट right? uh, जो टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी में आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम जे बी सिमश्री एंड पम्बा को अगर हम छोड़ दें तो आपके पास ओवरऑल दस कॉलेज है और अगर उस दस कॉलेज में हर कॉलेज में पचास सीटें भी हैं तो टोटल कितनी सीट्स होगी फाइव हंड्रेड सीट्स होगी फिफ्टी इन टू टेन बिकॉज वो कॉलेज हो सकता है कैट के थ्रू भी भर चुका हो जाट के थ्रू भी भर चुका हो अब वो सीमैट के थ्रू फाइनली जो कुछ सीट्स उसने छोड़ रखी है वो भरेगा ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स अवेलेबल है वो सारी जो है वो सीमैट के थ्रू भरेगा अब बच्चे सात हजार में से बच्चे में पांच ही हजार कंसिडर करती हूँ कि नाइनटी प्लस टाइम में फॉर एग्जाम्पल पांच हजार बच्चे हैं अब पांच हजार बच्चे कितना है टेन परसेंट बच्चों का होगा अब इसमें ये बाइफर्केशन है कई बार 91 का भी हो जाएगा 94 वाले का नहीं होगा 92 का हो जाएगा 98 वाले का नहीं होगा तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो अ बैकअप ऑप्शन अगर ये कॉलेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं जो आप टारगेट कर रहे हो देन यू हैव टू यू नो लेफ्ट दैट सीट जो आपने ले रखी है इट कैन बी एनी कॉलेज एक्स वाई जेड कॉलेज बट अगर आप अभी छोड़ोगे और आपने सोचा कि यार मेरा रिजल्ट और वहाँ पे नहीं हुआ तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा अब दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटाइल नाइन्टी से कम है लेट्स से एटी फाइव है या एटी एट है या एटी नाइन है तो मुझे लगता है एटी से नाइन्टी वालों के पास हार्डली दो ही ऑप्शन है ग्रेट ग्रेटली गुर्गाओ अप्लाई करेगा बच्चा एटी फाइव से ऊपर है या एटी से प्लस पे वेलिंग कर अप्लाई करेगा उनको भी यही सेम सिचुएशन करनी चाहिए और 80 से नीचे वालों बच्चों को तो मुझे नहीं लगता वेट करना चाहिए उन्हें कॉलेजेस देखने चाहिए अप्लाई करने चाहिए और कही न कहीं ना कहीं एडमिशन जो है वो ले लेना चाहिए अगर वो इसी साल प्लान कर रहे हैं एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे कल लाइव सेशन में एक स्टूडेंट ने पूछा था ड्रॉप लूँ अगर पर्सन अच्छा नहीं है या नेक्स्ट ईयर प्लान करूँ इस पर भी एक वीडियो इसी के जस्ट बात बनाने वाली हूँ और अगर आप भी उसी कैटेगरी में लाइव करते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं बाकी जिन स्टूडेंट का कहीं कही ना कहीं एटी से कम परसेंटाइल है कौन से कॉलेजेस अप्लाई करना है कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केटिंग के लिए फाइनेंस के लिए चौर के लिए ऑपरेशंस के लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं दिस so, मी और साइनिंग ऑफ मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ।